और सीएम आवास पर वर्षा पर अब अहम बैठक शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां विधायकों के समर्थन का जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर ये वीडियो जारी किया गया है शिंदे की तरफ से। तो शिंदे ने विधायकों के समर्थन का एक तरफ जहां वीडियो जारी किया है, वहीं दावा जो किया जा रहा था कि संख्या बढ़कर 40 हो चुकी है, लेकिन अब फिगर्स भी सामने रखी जा रही है कि शिवसेना के 42 बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। और समर्थन की ना सिर्फ अभी तक जो चिट्ठी थी, अब बकायदा वीडियो भी, तस्वीरें भी जारी की जा रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि एकनाथ शिंदे के साथ अब सभी आ चुके हैं। शिवसेना के 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और विधायकों के समर्थन का ये वीडियो अब जारी किया गया है। तो शिंदे ने विधायकों का अब नया वीडियो जारी किया है। एक तरफ शिंदे जो दावा कर रहे हैं उसी दावे को पुख्ता तौर पर सबके सामने रखते हुए एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो शिंदे ने विधायकों का अब जो नया वीडियो जारी किया है वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस वीडियो में एकनाथ शिंदे भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ साथ वो सभी विधायक हैं इस नए वीडियो में। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एकनाथ शिंदे के साथ वो तमाम विधायक इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो तमाम विधायक जो अभी तक एकनाथ शिंदे के समर्थन में रहे हैं। शिवसेना के 42 विधायकों के समर्थन का ये दावा, ये वीडियो जो जारी किया गया है, ये तस्वीरें जारी की गई हैं, ये बयां करते हुए कि किस तरीके से सभी विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे के अब अभी तक जो 34 विधायकों की बात कही जा रही थी, उसी दावे के तहत आगे बढ़ते हुए 42 लोगों के समर्थन का यहां पर दावा किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर दें ताकि हम उस पूरी संख्या को भी ऐड कर सके। थोड़ा सा लेफ्ट में इसे और स्कैन की और इस तरफ करें, लेफ्ट की तरफ जाएं ताकि हम ये पूरी संख्या को गिनते हुए बता दें कि आखिर कितने समर्थकों का ये दावा है। यहीं पर पॉज करिए और यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
41 और 42, तो 42 विधायकों के समर्थन का जो दावा किया गया है वो अब वीडियो के जरिए भी साफ हो रहा है कि कर वो गिनती भी हमने आपके रखी। आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, यही तो स्ट्रैटेजी थी कि कोई कितना भी दावा कर ले, हम हकीकत लोगों के सामने रखेंगे और ये पुख्ता कर देंगे कि शिवसेना के 42 विधायक हमारे साथ है। ये तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी बात और रह गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से और उनकी कैंप की तरफ से क्लैरिफाई करने के लिए, वो ये कि 42 में से कितने इंडिपेंडेंट हैं। हाँ। ये बहुत ही जरूरी है कि उन्हें अगर शिवसेना पार्टी पर में टेक ओवर करना है तो 37 नंबर पार करेंगे। तो ये भले ही अब केवल फॉर्मेलिटी सी रह गई है, लेकिन ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि अब एकनाथ शिंदे शिवसेना के लीडर हैं और वो उनकी पार्टी है कम से कम महाराष्ट्र असेंबली में, और अब सीधा जब भी फ्लोर टेस्ट होगा कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब ये प्रोसीजर वाली ही बातें रह गई हैं। एकनाथ शिंदे कैंप ने बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही स्मार्टली उन्होंने इस नंबर्स को जुटाया है और ज्यादा समय नहीं लगा। देखिए, लगभग 48 घंटे के समय में उन्होंने एक लोकेशन मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी, लोकेशन बदलने के बावजूद उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से नंबर प्रूव करके पूरे देश को बता दिया है कि अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही। अब टाइमिंग देखिए, इन तस्वीरों को जारी करने का, इस वीडियो को जारी करने का टाइमिंग देखिए, संजय राउत के उस बयान के बाद जहां संजय राउत कहते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत समर्थक हमारे साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो वापस हमारे पास आना चाहते हैं, 20 का आंकड़ा वो भी पेश कर रहे हैं, लेकिन यहां तो बकायदा वीडियो जारी कर 42 उन सभी बागी विधायकों को साथ दिखा दिया गया है जिससे वो मैसेज देना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर भी कह रहे हैं लेटर से काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो खुद वर्चुअल बैठक कर सभी का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। फिर भी जो संजय राउत बयान दे रहे हैं वो इस उम्मीद में है कि जब एमएलए मुंबई आएंगे और तब जब शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोशिश की जाएगी उनसे मिलने की, बात करने की और समझाने की, तो उनमें से कई एमएलए वापस उद्धव ठाकरे की तरफ आ सकते हैं, महाराष्ट्र की जो करंट सरकार है उसकी तरफ आ सकते हैं, वो उम्मीद है। उन्हें भी जो जमीनी हकीकत है उसका अंदाजा लग गया है। जब एमएलए की मीटिंग बुलाई जाती है तो उनके पास नंबर्स केवल 12-14 रह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी पता है जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन ये उम्मीद है उनकी
कि जब भी एमएलए लेकिन अगला कदम क्या होगा इस पर है सभी की नजर। आशीष शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के पास आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।